dance thing. चीफ गेस्ट बुलाया है और जो लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जैसे कि फैक्ट्री लाइसेंस लेने में प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर कोई भी दुर्घटना फैक्ट्री में हो जाती है तो मालिक के खिलाफ एफआईआर लॉज हो जाती है, बाकी सेस 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया गया है उसके बारे में, ईएसआई हॉस्पिटल एक हमें आईएमटी में चाहिए, लेबर हाउसिंग सोसाइटी के बारे में और बाकी जनरल मुद्दे जैसे लाइट की प्रॉब्लम है काफ़ी, मतलब क्योंकि वो एक सीनियर लॉबी में बैठते हैं और सीनियर आईएएस हैं, तो सर तक बिल्कुल 1-to-1 मीटिंग हुई है, ये आपने देखा होगा कि उन्होंने सारे पॉइंट्स नोट किए हैं फिर उन पर डिस्कशंस किया है, तो मैं ये समझता हूँ ये अपने आप में एक अनोखी पहल है जो आईएएस लेवल के अधिकारी हमारे साथ बैठे, उन्होंने उसके हल बताए जो उनके जो उनका आश्वासन है कि मैं आगे इसको लेके जाऊंगा, इसकी बात करूंगा, तो वो काफ़ी रीअश्योरिंग लगा। उम्मीद है कि हम जैसे प्रेसिडेंट ने बताई दिया है जो जो मुद्दे हमने उठाए थे, ये ईएसआई डिस्पेंसरी हो गया, लेबर सेस हो गया, हाउसिंग हो गया, इन सबको, तो लेट्स सी, वी आर होपिंग कि ये फ्रूटफुल रहे। इंडस्ट्री एरिया खासकर जो मेन इंडस्ट्री एरिया फरीदाबाद का है इसको कैसे हम लोग आगे लेके जाएं, हमारे प्रधान जी और पूरी टीम इसमें लगी रहती है। ये कि हमारा तीसरा एक्सपो है, मतलब थर्ड एक्सपो हम करने जा रहे हैं, 2 ऑलरेडी हमने कर चुके हैं और हर बार हम नया कुछ ना कुछ लेके आते हैं, पहले में जो भी कमियां हैं जो भी खामियां रह गई उनको सीखते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, और इसमें हमारा जो मेन मुद्दा रहता है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनसे अवेयरनेस है या उनकी पॉलिसीज के बारे में लोगों को अवेयर करवाना है, जो बेनिफिट लेने हैं, लाइसेंसिंग है, जो भी कुछ है, मतलब मेन मोटिव ये है, और रोजगार तो है ही है कि हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं और अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को की मार्केटिंग करते हैं। हमारे साथ सीनियर आईएएस बैठे थे लेबर डिपार्टमेंट के, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे हमने उनके साथ रखे जैसा कि हमारे प्रधान जी ने बताया, तो उन सब पे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि उन सब पे गौर करेंगे और आगे बात करके उनका कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते। जो हमारी एग्जीबिशन जो लगा रही है एसोसिएशन का, इससे एक पहचान अलग से बनी है पूरे देश भर में कि ये पहली एक ऐसी एसोसिएशन है जिन्होंने अपने बल पर सारे इंडस्ट्रीज को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर दिया और उनको प्रोडक्ट का डिस्प्ले करने का मौका दिया है जी। और हमसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया जिसमें मुख्यतः जो था वो वर्कर्स की हेल्थ के बारे में मुद्दा उठाया गया कि वर्कर्स की जो हेल्थ के बारे में कि उनको मेडिकल फैसिलिटी कैसे मिले, ईएसआई को कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर ज़्यादा विचार विमर्श हुआ।